Students, assalamu alaikum. Hope you all will be fine. I am your teacher Ehsan and you are watching Wonder of English. Today we shall discuss use of there. What is there? There I have told you in my previous lecture. तीन जगहों में इस्तेमाल होता है किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए, किसी मकाम को जाहिर करने के लिए लोकेशन को, और फिर या किसी चीज को किसी को कुछ देने के लिए. ठीक है, मैंने एग्जांपल से आज इसके डिस्कस करते हैं. हम चूंकि बच्चों व्यूअर्स, हम चूंकि वी आर सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स, इट इज़ नॉट आवर मदर टंग, दैट इज वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी फ्लुएंट, टू बी हैव एन आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का आर्ट होना हमारे पास बहुत बड़ी बात है. आइए प्रैक्टिस के जरिए सीखते हैं. कहता है मेरी जेब में दो कलम हैं, मेरी जेब में दो कलम हैं. अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, देर आर टू पेन्स इन माई पॉकेट. देर आर, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, मेरी जेब में, मेरी जेब माई पॉकेट, तो सब्जेक्ट तो नहीं है. हम क्या लिखेंगे, देर को शुरू में एज ए डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे. टू पेन्स इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में दो क्या है, पेन है. देर आर टू पेन्स इन माई पॉकेट. फिर इसी तरह देखें, कहता है क्या इस बाग में आम के दरख्त हैं, क्या इस बाग में, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव. तो फिर इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैं प्रेजेंट टेंस है तो आर का इस्तेमाल होगा, आर को लगाकर और देयर मैंगो ट्रीज इन द गार्डन, आर देयर मैंगो ट्रीज इन द गार्डन. अब चूंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे. क्या इस बाग में आम के दरख्त हैं, तो इसमें मौजूदगी को जाहिर कर रहा है आम की और पूछ रहा है, आर देयर मैंगो ट्रीज इन द गार्डन. इस तरह आपने जुमला बनाना, मेरे दफ्तर में 10 कुर्सियां हैं. अब ये प्रेजेंस को ये भी शो कर रहा है, देयर आर 10 10 चेयर्स इन माई ऑफिस, मेरे दफ्तर में 10 कुर्सियां हैं. देयर आर 10 चेयर्स इन माई ऑफिस. मस्जिद में 5 पंखे हैं तो क्या बनेगा, देयर आर 5 फैंस इन द मॉस्क, देयर आर 5 फैंस इन द. अब ये देखें मौजूदगी को जाहिर कर रहा है, शो प्रेजेंस, 5 फैंस इन द मॉस्क. दरवाजे पर फकीर था, देयर वॉज अ बैगर एट द डोर. लोकेशन को शो कर रहा है, मकाम को शो कर रहा है. देयर यू गो, देयर यू कीप, देयर यू टेक, किसी को कुछ चीज देने के लिए शो कर रहा है कि आप ये रखें. जग में थोड़ा सा पानी है, देयर इज अ लिटिल वाटर. अब लिटिल भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, ये सम वाटर, ठीक है, जो सम भी लगा सकते हैं, वाटर इन जग. टोकरी में कुछ फूल हैं, देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट, देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट, देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट. तो ये जो है हमने ट्रांसलेशन की ताकि आपको आइडियाज हो वेयर देयर यूज होता है, कि देयर कहाँ यूज होता है. ठीक है, देयर इज यूज टू शो लोकेशन, ठीक है, मकाम के लिए.